हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। देश में लगातार दूसरे दिन सामने आए कोविड-19 के 20,000 से कम मामले, 378 लोगों की जान गई। जी हाँ, देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 18,870 नए मामले सामने आए हैं और 28,178 लोग रिकवर हुए हैं। ऐसा लगातार दूसरे दिन हुआ है जब देश में कोविड-19 के 20,000 से कम दैनिक मामले दर्ज हुए हैं। तो वहीं इस दौरान कोविड-19 से 378 लोगों की जान गई है और देश में कुल सक्रिय मामले 282,520 रह गए हैं। IPL 2021 के आखिरी दो लीग मैच अब एक ही समय में खेले जाएंगे। जी हां, IPL 2021 के आखिरी दो लीग मैच 8 अक्टूबर को एक ही समय में खेले जाएंगे। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अबू धाबी में भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस का, जबकि दुबई में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ RCB का मुकाबला था। आपको बता दें कि दोनों मैच अब शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। दिल्ली में 1 जनवरी तक पटाखों की बिक्री, फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश। जी हां, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी में दीपावली के दौरान प्रदूषण के चरम स्तर को देखते हुए निर्णय लिया गया है। दिल्ली सरकार अपने पड़ोसी राज्यों से पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह कर चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए देशभक्ति पाठ्यक्रम लॉन्च किया। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में देशभक्ति पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया है। दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों के लिए शुरू किए गए पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना जगाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पाठ्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। इन कारणों से लटक सकते हैं आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त के 2,000 रुपए। जी हां, किसान का नाम इंग्लिश में होना चाहिए। इसके अलावा आवेदन में आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट में नाम समान होना आवश्यक है। बावजूद इसके फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं तो एक बार IFSC कोड चेक कर लें। कई मर्तबा बैंक अकाउंट नंबर के अलावा गाँव के नाम में गलती की वजह से भी किस्त नहीं आती है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से सिद्धू का इस्तीफा, लेकिन पार्टी ने नहीं किया स्वीकार। जी हां, आपको बता दें कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कुछ घंटों बाद पता चला कि नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा नई दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने स्वीकार नहीं किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बताया गया कि नेतृत्व ने राज्य के नेताओं से पहले अपने स्तर पर मामले को सुलझाने को कहा है। यूपी में गंगा में प्रदूषण को कम करेगी सरकार, होगा रिवर रेंचिंग का उपयोग। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नमामि गंगे पहल के तहत रिवर रेंचिंग का उपयोग करके गंगा नदी को साफ करने की योजना बनाई है। योगी आदित्यनाथ सरकार मत्स्य विभाग से मदद मांगेगी और लगभग 15 लाख मछलियों को नदी में छोड़ेगी। इस पहल से नदी की स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी और इसके प्रदूषण स्तर में कमी आने की उम्मीद है। काबुल विश्वविद्यालय में तालिबान ने लगाया छात्राओं पर प्रतिबंध, ये है इसकी वजह। जी हां, काबुल विश्वविद्यालय के तालिबान द्वारा नियुक्त चांसलर ने महिला छात्रों को वास्तविक इस्लामी वातावरण प्रदान किए जाने तक विश्वविद्यालय में वापस नहीं आने का आदेश दिया है। तालिबान ने हाल ही में काबुल विश्वविद्यालय के जाने माने चांसलर मोहम्मद उस्मानी बाबरी को हटा दिया और मोहम्मद अशरफ गैरत को नियुक्त किया था, जिसकी हर तरफ से कड़ी आलोचना हुई थी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।